इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। सत्ता का केंद्र दिल्ली के नजदीक होने के कारण अलवर का एक अपना विशिष्ट इतिहास रहा है। यहाँ के किले और महल इसी राजसी वैभव की निशानियां हैं, जिसे देखने पर्यटक दूर दूर से आते हैं। आइए जानते हैं अलवर रियासत की कहानी। अलवर रियासत का इतिहास इतना पुराना नहीं है, वो राजस्थान के नई रियासतों में से एक है, पर इस एरिया का, इस क्षेत्र का इतिहास बहुत पुराना है। इस ये जो पूरा क्षेत्र है, जिसे अब मेवात कहा जाता है, ये अरावली पहाड़ जहाँ पर उत्तर में ख़त्म होते हैं, ये वो क्षेत्र है। इसके ऊपर हरियाणा है, एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ भरतपुर ब्रजभूमि है, और ये एक पहाड़ों का और ज़्यादा फर्टाइल एरिया नहीं है। यहाँ पर नदियाँ ज़्यादा नहीं है, एक रॉकी, जिसे हम कहते हैं रॉकी लैंडस्केप है यहाँ का। और तो ये, पर हमें इतिहास में इसका रेफरेंस मिलता है कि जब अर्बनाइजेशन, फर्स्ट वेव ऑफ अर्बनाइजेशन हो रहा था, तब यहाँ पर जो भारत, उत्तर भारत में राज्य हुआ करते थे, गण राज्य, और उसमें से मत्स्य का जो महाजनपद जिसे कहा जाता है, वो इस क्षेत्र में था। हमें कुछ पॉटरीज और फ्रैगमेंट्स और वो सब मिलते हैं, और पर इस प्राचीन भारत में इस पूरे क्षेत्र को मत्स्य रीजन कहा जाता था। इसका महाभारत में भी रेफरेंस आता है। कुछ लोगों का मानना है कि पांडव यहाँ पर आए थे कुछ समय के लिए, कुछ लोगों का मानना है कि मत्स्य के राजा ने महाभारत युद्ध में पार्टिसिपेट किया। बाद में मौर्य साम्राज्य के काल में ये जो क्षेत्र है उसका एक अलग ही महत्व था। इसका ये कारण था कि जो उत्तर, जो पंजाब से आने वाले जो कैरवान्स हैं और व्यापारी हैं, वो इसी रूट से गुजरते हुए दक्षिणी राजस्थान की तरफ जाते थे, और उस समय ऐसा था कि जहाँ से ये ट्रेड रूट्स गुजरते हैं, जहाँ पे व्यापार होता है, वहाँ पर बुद्धिस्ट एस्टैब्लिशमेंट्स भी बसते थे, क्योंकि ये जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वहीं जो भिक्षु हैं उनको दान दिया करते थे, ये जो पैसा, ये सब इन्हीं से आता था। तो उसी से हमें पता चलता है कि अगर हम देखें तो अलवर के पास में है एक जगह बैराट या विराट नगर जिसे कहा जाता है, और एक पहाड़ पर, एक रॉकी पहाड़ पर, जिसे बीजक की पहाड़ी कहा जाता है, एक बड़ा स्तूप और जो चैत्य गृह और एक रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट के अवशेष हमें मिले हैं। और उसी के पास में, बगल में, एक अशोकन एडिक्ट, जो सम्राट अशोक ने अपनी जनता के लिए ये जो एडिक्ट बनाया था और देश भर में डाला था, यहाँ पे एक एडिक्ट मिला है। और द फैक्ट कि जो मौर्यन सम्राट है पाटलिपुत्र के, वो इस जगह पर अपना एडिक्ट डाल रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, ये हमें बताता है कि मौर्यन साम्राज्य में इस क्षेत्र का महत्व था। पर जैसे राज आते गए और गिरते गए, और जैसे सदियां बदलती गई, तो ये महत्व खत्म हो गया, और इनफैक्ट ये जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है उसे भी अबैंडन्ड कर दिया गया। 11वीं शताब्दी में, 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दी में ये पूरा जो क्षेत्र था वो जाड़ो राजपूतों का यहाँ पर राज हुआ करता था। पर एक तो ये क्षेत्र दिल्ली के बहुत करीब था, और दिल्ली में जो पॉलिटिक्स है उससे वो अनटच नहीं रह पाया, इनफैक्ट इवन 1947 तक। तो उस समय दिल्ली के तख्त पे थे बादशाह फिरोज शाह, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, और उनके काल में एक बहुत बड़ा कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन प्रोग्राम की लोगों को एक इस्लाम में कन्वर्ट करने का इस क्षेत्र में हुआ। जो जाड़ो राजपूत जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया, उन्हें नाम दिया गया खानजाद, जो खानजाद राजपूत या खानजाद कम्युनिटी, जिन्होंने फिर 16वीं शताब्दी तक यहाँ पर राज किया,
और जो आम लोग थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया उन्हें मियो, एक जो मियो कम्युनिटी है यहाँ की, उन्हें मियो कहा जाता है। और मियो कम्युनिटी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो 50% हिंदू रिचुअल्स मानते थे और 50% मुस्लिम रिचुअल्स मानते थे। तो एक हिंदू मुस्लिम सिंक्रेटिक उनके ट्रेडिशंस थे, पर अनफॉर्चुनेटली आगे चल के 20वीं शताब्दी में उनको इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। इस तरह से 13वीं शताब्दी में यहाँ पर खानजाद राजाओं का राज चला। उनकी पहली राजधानी थी तिजारा, जो आज अभी एक नीमराना का होटल है, एक सेक्शन है जो राजस्थान सरकार के अंडर है। और फिर तिजारा के बाद उनका अलवर, वो भी उन्होंने ही बनवाया और वहाँ से राज किया। अलवर का जो जो पहाड़ी है, आई मीन अलवर का जो बाला किला है, उसका उसके कुछ रेफरेंसेस हमें मिलते हैं कि शायद बिकॉज यहाँ पर मीना जो ट्राइब थी वो रहा करती थी, और जो अलवर का जो किला है वो भी ओरिजिनली एक वुडन फोर्टिफिकेशन मीना, यहाँ के लोकल मीना ट्राइबल राजाओं का रहा हो। पर खानजाद आए, उन्होंने यहाँ पे एक किला बनाया। यहाँ के जो एक बहुत फेमस खानजाद राजा थे वो थे हसन खान मेवाती। और उस समय जब बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया और दिल्ली पर अटैक किया, तब हसन खान मेवाती ने मेवार के जो राणा सांगा है उनके साथ हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर बाबर को वापस भगाने के लिए 1527 में बैटल ऑफ खानवा लड़ा। अनफॉर्चुनेटली बाबर जीते बिकॉज उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी थी, और हसन खान मेवाती की और राणा सांगा की हार हुई। हार होने के बाद जो अलवर का किला है वो मुगलों के हाथ में आया। हमें रेफरेंसेस मिलते हैं कि बाबर आए और एक रात अलवर के इस बाला किला में रुके। खानवा की लड़ाई के बाद जो अलवर, तिजारा और आसपास के जो बाकी सब क्षेत्र हैं, वो तिजारा सरकार जो मुगलों का एक प्रोविंस हुआ करता था वो उसके पार्ट हुए। और फिर बाद में ये जो पूरा इलाका है जो बाद में जाके अलवर रियासत बना, वो पूरा था जो जयपुर के राजाओं के अंडर था। मुगल और जयपुर के राजाओं के काल में का एक सिर्फ एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर कहानी है इंटरनेट पे, वो है भानगढ़ के किले की। नाउ भानगढ़ का किला बहुत ही, आई थिंक इज द मोस्ट पॉपुलर फोर्ट इन इंडिया, क्योंकि उसे हॉन्टेड फोर्ट कहा जाता है। भूत प्रेत और जादू टोना की कहानियाँ पूरे इंटरनेट में भरी हुई है। पर सच बात तो ये है कि जो आमेर के राजा भगवान दास हैं, उन्होंने अपने बेटे को ये जागीर दी थी भानगढ़ की, और वहाँ पे वो किला बनाने लगे। पर बाद में पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से वो जागीर उनसे जब्त कर ली गई, तो वो किला अबैंडन हो गया और वो जो परिवार है वो वापस जयपुर चला आया। अभी कुछ 10-12 साल पहले से ही ये भूत की कहानी और हॉन्टेड, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट की कहानी बहुत पॉपुलर हुई है, और आई मीन एक तरह से एनकरेज की जा रही है टूरिज्म के लिए। पर सच बात तो ये है कि इतिहास में हमें जादूगर का और राजकुमारी का और किसी श्राप का भानगढ़ के किले पे कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। तो भानगढ़ की सच्चाई तो यही है। तो ये बात हुई भानगढ़ की, जो अलवर के पास में है। अलवर के इतिहास का एक नया अध्याय तब शुरू होता है अराउंड 1750s में, जब मुगल साम्राज्य टूट रहा था और मराठों की ताकत बढ़ रही थी। तब मराठा फौजें पहले पेशवा बाजीराव के अंडर, फिर नाना साहेब और उनके भाई रघुनाथ राव के अंडर, और फिर सदाशिवराव भाव के अंडर, यू नो उत्तर में उनकी कैंपेन्स शुरू हो गए। सिंधियाज और होलकर्स जो थे वो राजस्थान पर अटैक करने लगे, और यहाँ तक कि जो मराठों की फौजें हैं वो अटक तक उत्तर में पंजाब के आगे निकल गई थी। और इस समय जो जयपुर का राज्य है उसमें काफ़ी उथल पुथल हो रही थी, क्योंकि जो महाराजा सवई जयसिंह हैं जिन्होंने जयपुर राज्य का निर्माण किया था, उनका निधन हो गया था, उनके बेटों में लड़ाई छिड़ गई थी। एक सेक्शन है जो भरतपुर का सेक्शन है, जो ओरिजिनली जयपुर राज्य के अंडर हुआ करता था, वो यू नो राजा सूरजमल और उनके वंशजों ने एक अलग हो गया था। और ये जो एरिया है
तो टर्मोइल तो चल ही रहा था। तो यहाँ पर एक ठाकुर थे, मछेरी करके एक जगह है, तो वहाँ के ठाकुर थे ठाकुर प्रताप सिंह, जो कछवाहा राजपूत ही थे, सेम क्लैन एज द जयपुर रॉयल फैमिली, बट एक ठाकुर थे। और उन्होंने इस केओस का एडवांटेज लिया और उन्होंने अलायंसेस किए सिंधियाज के साथ, होलकर के साथ, जाटों के साथ, और इसी केओस का एडवांटेज लेकर उन्होंने एक अपना स्वतंत्र राज्य उन्होंने अपना स्थापित किया, जो आगे चलकर 1770 में एक जो अलवर रियासत है वो बनी। और इसी इसीलिए यू नो मैं शुरुआत में मैंने कहा कि अलवर इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट स्टेट्स इन प्रिंसली स्टेट्स इन राजस्थान, तो इसका ये कारण है कि अराउंड 1770 में वो बनी, और उनका अंग्रेजों के साथ पहले से ही अलायंस था, तो वो अंग्रेजों के अधीन हुई। ठाकुर प्रताप सिंह जो बाद में महाराजा प्रताप सिंह बने, फिर उसके बाद महाराजा हुए, अगले महाराजा हुए बख्तावर सिंह। महाराजा बख्तावर सिंह के वक्त का प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट है सिटी पैलेस, जो अलवर का जो हम खूबसूरत सिटी पैलेस देखते हैं आज, यहाँ पर म्यूजियम है नो सब, वो उन्होंने बनवाया, और उसके पीछे उनकी छतरी बनी हुई है, और उसे मुसी महारानी की छतरी कहा जाता है। वहाँ पर महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी रानियों की खूबसूरत छतरियाँ हैं। अंग्रेजों के आने के बाद एक पीस का समय यहाँ पर आया, यहाँ पे ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुई, पर अलवर ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है वो ना यहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्री थी, ना यहाँ पर फर्टाइल लैंड थी कि वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके, वो पिछड़ा ही एरिया रहा। 1857 में यहाँ पर काफ़ी अंग्रेज लोगों ने शरण ली उस समय, और फिर अलवर में महाराजा मंगल सिंह का राज था, और 1892 में महाराजा सर जयसिंह प्रभाकर अलवर के महाराजा बने। एक तरफ जैसे महाराजा गंगा सिंह और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के बेनेवोलेंट रूलर्स थे, महाराजा सवाई जयसिंह थे वो एक ईवल जीनियस हम कह सकते हैं। हमने ओरिजिनल जो रिकॉर्ड्स है, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स, और जो उस समय जो अलवर में हो रहा था उसके बारे में हमने पढ़ा है। अगर आप इंटरनेट पे देखें तो लोग काफ़ी कहानियाँ उनके बारे में लिखी हुई हैं कि उन्होंने कैसे रोल्स रॉयस खरीदी थी और उसमें से कचरा उठवाया था अलवर का एंड ऑल, वो कहानी सच नहीं है, वो एक्चुअली भरतपुर के महाराजा किशन सिंह ने करवाया था। पर जब आप इंटरनेट पे ये सब चीज़ें आप लिखते हो तो आई मीन अनफॉर्चुनेटली इवन अलवर की जो जनता है उनको महाराजा सवाई जयसिंह के राज के बारे में पता नहीं है। मैंने ओरिजिनल रिकॉर्ड्स और फाइल्स देखी है जो ब्रिटिश आर्काइव्स और नेशनल आर्काइव्स इंडिया में है, और जैसे एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने उनके बारे में लिखा था, सिनिस्टर बियॉन्ड बिलीफ। तो सच बात तो ये है कि अगर आप जो उनके उनका जो शासन काल देखे तो इवन 70s और 80s के जो बॉलीवुड विलन्स थे जैसे कि शाकाल और मोगैम्बो, वो उनके सामने कुछ नहीं है। तो उन्होंने जनता पर बहुत अत्याचार किया, और ऐसे मतलब बहुत ही हॉरिफिक किस्से हैं कि उन्होंने कैसे अपने एक घोड़े को पेट्रोल डाल कर जिंदा जला दिया, या इतने जब शिकार पे जाते थे तो गांव के बच्चों को उठाकर वो बेट के लिए यूज़ करते थे जब शेर का शिकार, और ऐसी बहुत डिस्टर्बिंग कहानियां हैं। और एक बात उस समय की है कि उस समय भारत में लोग राजा को भगवान मानते थे, और राजा अच्छा हो या बुरा, लोग जनरली विद्रोह नहीं करते थे राजा के खिलाफ। पर अलवर में महाराजा सवाई जयसिंह एक एक्सेप्शन थे कि उन्होंने इतना अत्याचार किया कि एक बड़ी जनता ने लिटरली उनके खिलाफ विद्रोह किया गया था, और फिर बाद में ब्रिटिश आई मीन ब्रिटिश लोग तो उन्हें उनको सब पता था, वो माफ करते रहे माफ करते रहे, पर देन उन्होंने रियलाइज किया कि अभी अगर हम और हम भी नहीं टॉलरेट कर सकते, और फिर उन्होंने महाराजा सवाई जयसिंह को गद्दी से हटाकर उन्हें पेरिस भेज दिया, और पेरिस में ही उनका निधन हो गया।
महाराजा सवई जयसिंह के समय उन्होंने काफी महल बनवाए अलवर में, जैसे कि जो सरिस्का का जो महल है जंगल के बीचों बीच, एक बहुत खूबसूरत महल वो उन्होंने बनवाया था, और जो विजय मंदिर पैलेस है वो बनवाया था, और इटराना में एक और एक महल बनवाया, और उन्हें बिल्डिंग्स बनाने का और खर्च करने का काफ़ी शौक था। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें देख के प्राउड फील करते हो, पर उसका एक उसके नीचे एक बहुत डार्क कहानी है। महाराजा सवाई जयसिंह को गद्दी से हटाने के बाद अंग्रेजों ने उनके दूर के रिश्तेदार महाराजा सर तेज सिंह प्रभाकर को अलवर की गद्दी पर बिठाया। अराउंड 1944 में उन्होंने पावर्स यहाँ पे संभाली। वो हिंदू महासभा और आरएसएस के काफ़ी करीब थे, और ये जो एरिया है वो काफ़ी यहाँ पर आरएसएस और हिंदू महासभा की ग्रोथ हुई। तो अलवर रियासत की जो मियो कम्युनिटी थी, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, 13वीं शताब्दी में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था और जो 50% हिंदू और 50% मुस्लिम रिचुअल्स को मानते थे, वो 1920s और 30s के जो उत्तरी भारत का जो पॉलिटिक्स था, जो कम्युनल पोलराइजेशन था, उसमें वो पिस गए। बिकॉज एक तरफ जो आर्य समाज और जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थे वो उनको घर वापसी या यू नो शुद्धि में वो उनको हिंदू वापस बनाना चाहते थे, और दूसरी तरफ जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस है वो उनको प्योर, जो प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम कहा जाता है, उनमें कन्वर्ट करना चाहते थे। तो अभी पिछले साल एक जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत चर्चा में आई है वो है तबलीगी जमात, और एक्चुअली जो तबलीगी जमात है वो उसका निर्माण ही इसीलिए किया गया था बिकॉज लोगों का सोचना था कि ये जो मियो है वो प्योर इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, एंड द पर्पस ऑफ तबलीगी जमात वाज टू कन्वर्ट ये जो मियोज है टू प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम। तो अनफॉर्चुनेटली यू नो इस कंपीटिंग इसकी वजह से एक अलवर जो है वो एक कम्युनल हॉटबेड बन गया, और इवन नाउ अभी भी अगर आप पिछले 2-3 साल के न्यूज़ देखो तो जो काफ़ी जो इंसिडेंट्स हुए हैं, गौ हत्या ये वो, तो वो इसी अलवर क्षेत्र में ही हुए हैं, पर इसका इतिहास वहाँ से शुरू होता है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो यहाँ पर अनलाइक जोधपुर, जैसलमेर या बाकी रियासत जहाँ पर लोगों ने, जहाँ पे राजाओं ने अपनी मुस्लिम जनता को प्रोटेक्ट किया, अनफॉर्चुनेटली अलवर में बिकॉज ऑफ दिस मियो और ये कॉन्फ्लिक्ट्स, अलवर और भरतपुर में बहुत बड़ा कम्युनल रायट हुआ, दंगा हुआ, काफ़ी कत्लेआम हुआ, और काफ़ी जो मियो थे उनको अलवर छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। और क्योंकि यहाँ पर इतने दंगे और इतने कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो तब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम अलवर स्टेट को टेक ओवर करेंगे, और उन्होंने अलवर स्टेट को टेक ओवर किया। बाद में भरतपुर, अलवर और आसपास के एक दो राज्य मिलाकर मत्स्य यूनियन करके एक राज्य बनाया गया, जो कुछ ही महीनों में फिर राजस्थान का हिस्सा बन गया। भारत सतत स्वतंत्र होने के बाद जो अलवर का राज परिवार है वो पॉलिटिक्स में भी गया। अभी के जो अलवर के महाराज हैं जितेंद्र सिंह, वो राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं, वो यूपीए सरकार में मिनिस्टर थे। तो ये है कहानी अलवर रियासत की।